हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित बाबरा। आज हम आए हैं सेक्टर वन में एक्सप्रेस एस्ट्रा प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका आज हम टूर देने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर वन ऑफ द प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट में से ये आता है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये गौर चौक से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सेक्टर वन वेरी क्लोज टू सेंट्रल नोएडा और आपका गौर चौक से भी नज़दीक है। यहाँ से आपका यमुना एक्सप्रेस के लिए भी सीधा रास्ता जाता है। यहाँ की कनेक्टिविटी और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, ये कॉर्नर साइड का प्रोजेक्ट है, उसकी लोकेशन जो है बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी दिल्ली नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के आज हम आप लोगों को टूर देने वाले हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट माई वन में बन रहा है और ऑलमोस्ट 50% प्रोजेक्ट बन चुका है और 50% प्रोजेक्ट और बनना है। तो अभी हम खड़े हैं टावर बी की लॉबी एरिया में। लॉबी कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, प्रीमियम लग्जरी फील आपको आने वाला है। लिफ्ट इसमें दो दी गई है, इस तरीके से आपका लिफ्ट का एलिवेशन रहेगा। इसी के जस्ट अपोजिट आपको हमने वेटिंग लॉन्च दिया है, कुछ इस तरीके से प्रीमियम क्वालिटी में, प्रीमियम लुक में आपको इस तरीके से एक लुक एंड फील आएगा, जहां पे कोई भी गेस्ट हो गए या कोई बाहर आउटसाइडर वेट कर सकते हैं आपका। तो मूव करते हैं फ्लैट की तरफ, फ्लैट का एक सैंपल देख लेते हैं किस तरीके से लेआउट रहेगा, किस तरीके से आप अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी बाहर खड़ा हूँ 2005 स्क्वायर फीट के बाहर, चलिए मूव करते हैं अंदर। ये एरिया आपका फॉयर एरिया आ जाता है, जहाँ पे आप अपना शू रैक वगैरह कुछ डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। मूव करेंगे अंदर तो राइट की तरफ आपका ये लिविंग एरिया आ जाता है, इस तरीके से आपका लिविंग रहेगा। अटैच्ड बालकनी है और जस्ट लिविंग के सामने ही आपका ये डाइनिंग एरिया रहेगा, इस तरीके से आपका डाइनिंग एरिया दिखने वाला है। और डाइनिंग एरिया के साथ साथ में ही आपको किचन मिल जाता है। तो ये किचन है आपका यू शेप में, आपको किचन मिलता है बहुत बढ़िया से डिजाइन करके आपको ये मिल रहा है विद यूटिलिटी बालकनी। तो इस तरफ चलते हैं, ये आपका पैसेज एरिया जाता है, जहाँ पे आपका सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है। आगे की तरफ थोड़ा मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों आपको बेडरूम मिलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, इस तरीके से आपका ये फर्स्ट बेडरूम होने वाला है, जो आपको साथ में अटैच्ड बालकनी मिलेगी और अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि वॉशरूम का साइज भी एक डिसेंट साइज में दिया हुआ है। टोटल कंस्ट्रक्शन जो है माय वन कंस्ट्रक्शन है, आपको एक लुक एंड फील और एक प्रीमियम फ्लैट में रहने का जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा डेफिनेटली। जस्ट इसके अपोजिट आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है विद अटैच बालकनी, अटैच वार्डरोब, वार्डरोब भी 3-door wardrobe दिया है, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के साइज जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही प्यारे, बहुत ही डिसेंट साइज ही है। सो मूव करते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि है मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत अच्छे डिसेंट साइज में आपको मिलने वाला है। एंटर करते ही आपको वॉशरूम आता है, वॉशरूम के बाद आपको ये बिग साइज का एक डिसेंट मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम में आप देखेंगे कि वार्डरोब कितने बड़े एरिया में हमें वार्डरोब किया है, तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस बचता है अपने कपड़े स्टोर करने के लिए, चीजें स्टोर करने के लिए। सामने काफी बड़ी बालकनी दी है हम लोगों ने और आप देख ही सकते हैं वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्डर ने टावर जो है नया लॉन्च करा है, तो इस नए लॉन्च टावर में आप लोगों को कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं। ऑफर्स जैसे कि आपको वार्डरोब बना के दे रहे हैं, 4 AC लगा के दे रहे हैं, फुल्ली मॉडुलर किचन बना के दे रहे हैं, बाथरूम फिटिंग्स दे रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ये टूर पसंद आया है या प्रोजेक्ट पसंद आया है, फटाफट आप आइए यहाँ पे विजिट कीजिए और या हमारे दिए हुए नंबर पे क्वेरी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो एवरीवन अगेन, अभी हम बैठे हैं इस प्रोजेक्ट के हेड के साथ मिस्टर अंकित, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू रोहित। सो अंकित जी, हम आपके प्रोजेक्ट का टूर तो दे चुके हैं अपने व्यूअर्स को, तो अभी हमें कुछ पॉइंट्स जानने हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, थोड़ा इन डेप्थ में जानना है। लाइक आपने जो है एज अ रियल एस्टेट, आपने इससे पहले क्या क्या डेवलप किया है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट डेवलप है, कुछ इस के बारे में। थोड़ी काफी पुरानी कंपनी है, 45 इयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी है हमारी, एंड मोर ओवर 70+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है पैन इंडिया। 70+ ओके। नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद, मुरादाबाद, सोनीपत, इन सब में अच्छी टाउनशिप्स डेवलप करी हैं अलोंग विद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ओके, डिलीवर्ड है कंपनी के। ग्रेट, यानी एक्सपीरियंस अच्छा है बहुत, और आई गेस सभी टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका स्टक नहीं रहा है आई बिलीव। सो कोई भी प्रोजेक्ट स्टक नहीं है, सारे ही टाइमली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, सो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आप किसी थीम पे बना रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो यूएसपी हो इस प्रोजेक्ट की? मोर ओवर जो हमारी पंचलाइन है, देयर इज मोर टू लाइफ, वो हमने स्पेस को लेके किया है कि हम लोग फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स में ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नियर बाई प्रोजेक्ट्स। प्लस एक 5 एलिमेंट्स की थीम हमने लिया, पंच तत्व थीम जो बोलते हैं, लाइक फायर, अर्थ, वाटर, इन सब थीम बेस्ड प्रोजेक्ट हमने कोशिश करी है। हमने ये प्रोजेक्ट थीम बेस्ड कंप्लीट वास्तु फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, उसी के बेसिस पे सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी बायर होता है
होता है वो अपनी जहां वो घर खरीदा होता है उसकी विसिनिटी में देखता है क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है, सेक्टर वन की सबसे प्रीमियम लोकेशन पे हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं। एडजेसेंट बात करें बिल्कुल नेक्स्ट टू यथार्थ हॉस्पिटल, ये प्रोजेक्ट है नियर बाय लोटस वैली, डीपीएस, यान इंटरनेशनल, सारे स्कूल्स मेजरली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो की ऑपरेशनल है। हाउ फार दिस स्कूल्स एंड ऑल दिस एमिनिटीज फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट? विद इन 2-3 किलोमीटर की विसिनिटी में ये सारी चीजें हैं। यथार्थ बिल्कुल नेक्स्ट टू डोर स्टेप आपको मिल जाता है यथार्थ हॉस्पिटल। ओके, सो कोई ऐसी यूनिक और कुछ ऐसी जो हमें दूसरों से अलग करती हो, which makes us separate from other builders or other developers, कुछ ऐसी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे नोएडा एक्सटेंशन में अगर बात करें थोड़ा सा ना, प्रोजेक्ट्स की डेंसिटी ज्यादा है हमारे यहाँ। वो डेंसिटी, जिन लोगों को डेंसिटी के बारे में नहीं पता आप एक बार प्लीज। अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें, like 6 acres में मोर ओवर डेवलपर्स के यहाँ 900 या 1000 यूनिट्स अप्रोक्सीमेट बनती हैं। हमारे में देयर आर ओनली 650 यूनिट्स इन अ प्रोजेक्ट, which is very less as compared to other 650 unit and 6-acre project. In 6 acres. Okay. So phase 1, phase 2 दोनों मिला के हमारे यहाँ 650 से 700 apartments approximate आते हैं, which is less as compared to other projects. Per floor ratio की अगर बात करें, there are only 4 units per floor. Okay. With 3 lifts. And कुछ towers ऐसे हैं जिसमें 2 ही units हैं per floor with 2-3 lifts. तो एक बहुत अच्छा ratio दिया हुआ है, जो कि दूसरे projects में नहीं मिलेगा आपको. Okay. तो हमारा low density project है. And biggest clubhouse in Noida extension, 40,000. Biggest. We are claiming this that we have the biggest clubhouse. एक्सटेंशन अगर आप कंपेयर करेंगे फॉर 650 और 700 फैमिलीज। ओके, अदरवाइज इतना बड़ा क्लब हाउस वहां मिलता है जहां 1800-2000 फैमिलीज होती है। इन प्रोपोर्शन टू द फैमिली दैट आर गोइंग टू लिव हियर और उसकी रेशियो में हमारा क्लब हाउस सबसे बड़ा क्लब हाउस उसमें प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो साइजेस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या साइजेस हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या साइजेस अवेलेबल नहीं है। साइजेस हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। 2 बेडरूम में 1150 स्क्वायर फीट आ जाता है, सिंगल साइज ही है उसमें। देन 3 बेडरूम्स में वी हैव 3 ऑप्शंस, 1350, 1570 एंड 2000 square feet. And 4 bedrooms mein I have 2 options. Ek to duplex aa jata hai 2325 square feet and ek 2650 mein again 4 bedrooms. To yahi in categories mein se aap choose kar sakte hain. Inventories 2 bedroom aur 4 bedrooms mein thodi zyada hai. Okay. 3 mein but bigger size jo hai like 2000 square feet. Bahut hi acha size hai, through and through apartment hai. Usme mere paas unit aur availability hai. Through and through matlab aapko usme dono facings milti hain. Okay. Like 2 balconies aapki road face karenge and 2 balconies park face karti hain. Okay. So jaise har apartment mein ventilation bhi kafi acha hai, air ventilation kafi good hai. बहुत ही अच्छा होता है उसमें। लाइक हर अपार्टमेंट में सिंगल फेसिंग मिलती है, इधर पार्क होगा, नॉन पार्क होगा या रोड होगा। एग्जैक्टली बी टावर में आपको दोनों फेसिंग्स मिलती हैं, व्हिच इज अ वेरी प्लस पॉइंट। और आगे भी पूरा लो राइज सेक्टर है, सेक्टर 2 लगता है सामने, व्हिच इज अ लो राइज सेक्टर अथॉरिटी का। तो आपको कोई भी नियर फ्यूचर में हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा अपने अपार्टमेंट के नियर बाय। ओके, अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या फिनिशिंग अब दे रहे हैं, क्या क्वालिटी रख रहे हैं और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एज अ बाथरूम फिटिंग, एज यू सेड कि हम वार्डरोब्स भी बना के दे रहे हैं, तो किस क्वालिटी का, किस स्टैंडर्ड का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसर्न होता है किसी भी बायर का कि यार व्हाट क्वालिटी बिल्डर यूजिंग फॉर आर फ्लैट एंड एवरीथिंग। सी, अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बात करते हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन है, 100% माइवन है आपकी।